कैच ऑपरेशन 2023 का आगाज कौमी एयरलाइन की पहली परवाज PK 773 कराची से 330 हुज्जाज कराम लेकर मदीना तैयबा चली गई। लाहौर से निजी एयर की परवाज 200 से ज्यादा हुज्जाज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। इस्लामाबाद से PK 741 300 से ज्यादा आजमीन हज को लेकर जद्दा के लिए आजमी सफर होगी। PIA 315 खसूसी हज परवाजें ऑपरेट करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, पिशावर, रहीम यार खान और क्वेटा से परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। हज ऑपरेशन 22 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने आपकी सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। हमने सऊदी वजीर दाखिला से जो एक मुआहदा जो है वो हमने किया है, उसका मकसद ये है कि जिस तरह से आप यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं तो यहीं पे आपकी इमिग्रेशन हो जाए सऊदी अरब की। तो ये वो मुआहदा है जिसका नाम है रोड टू मक्का, और अगले साल से इंशाल्लाह ताला इस जो है वो प्रोजेक्ट को कराची भी लेके जा रहे हैं। हुकूमत ने आजमीन हज की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। सऊदी अरब से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का मुआहदा किया। मंसूबे के तहत इमिग्रेशन का अमल आसान हुआ। आइंदा बरस इस प्रोजेक्ट को कराची भी लेकर जा रहे हैं। आजमीन हज मुस्लिम उम्मा और मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआ करें। राना सनाउल्ला का फैसलाबाद में आजमीन हज से खिताब। फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश नाकाबले बर्दाश्त और नाकाबले मुआफी है। 9 मई को जलाओ, घेराओ और अमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों, मंसूबा साजों और हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी। कौम के तावन से दुश्मन के नापाक अजायम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स में अफसरों और जवानों से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी अफसरान शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की जायजा रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी हुकूमत के इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान अमेरिका से मदद मांगने लगे। पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की अपील। अमेरिकी कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली खातून से की गई मुबैना गुफ्तगु लीक। पीटीआर चेयरमैन ने तहरीक अदम एतमाद में सियासी नाकामी का मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। मैक्सिन मोर वाटर्स के साथ जूम मीटिंग में पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर भी जोर। जान को खतरे का भी इजहार। सियासत के लिए कोई मजहब का नाम इस्तेमाल करे, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। अपने मुखालिफीन को पिछाड़ने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए, उनको जरर पहुंचाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया। पहले जो दावे किए थे, तेरा बाप भी देगा आजादी, इतनी तौफीक ही नहीं थी तो इतने बड़े बड़े नारे क्यों लगाए थे? मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें जिसने वो काम किया हो जो 9 मई को इमरान खान ने किए। पूरा मुल्क जला दिया और मजम्मत कर रहा था। ऐसी मजम्मत करने वाले की मजम्मत होनी चाहिए बल्कि मरम्मत होनी चाहिए। ये पार्टी जहां से निकली थी वहीं वापस जा रही है। मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ा जुर्म। इमरान खान ने हमेशा मजहबी कार्ड खेला। फितने को बढ़ाने के लिए फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। चोरों से हिसाब मांगने पर पूरे मुल्क में आग लगा दी गई। हकीकी आजादी का वक्त आया तो अब छुपते फिर रहे हैं। जलाओ घिराओ करने वालों की मजम्मत नहीं, मरम्मत होनी चाहिए। मरियम नवाज का उलमा मशाइख से खिताब। इमरान खान से करप्शन का हिसाब मांगने पर फसाद बरपा किया गया। पीटीआर चेयरमैन ही 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड थे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल मनसूबाबंदी की गई थी। इन्होंने वो काम किया जिससे दुश्मन खुश हो। पीटीआई के शरपसंदों ने हॉस्पिटल, स्कूल्स और अहम तरीन इमलाक को नुकसान पहुंचाया। जलाओ घराओ की मजम्मत गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। सत्ताईस बरस आइन और कानून के दायरे में रहकर सियासत की, जिस जमात के जलसों और एहतजाज में फैमिली शरीक हों वो पुरतशद मुजाहरे कैसे कर सकती है?
में कैद था। तोड़ फोड़ और जलाओ घराव का इल्म बाद में हुआ। पंजाब में इलेक्शन ना कराना आईन की खिलाफ वर्जी। निगरान हुकूमतें गैर आईनी हो चुकी हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो आज से आजाद कश्मीर का 3 रोजा दौरा करेंगे। 22 मई को आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब। 23 मई को बाग में मकबूजा कश्मीर में होने वाले G20 इजलास के खिलाफ एहतजाजी जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान ने पाक फौज और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया। जिस वक्त सरहद पर जवान शहीद हो रहे थे, नवाज शरीफ मोदी और जिंदाल को घर बुलवा कर दावतें खिला रहे थे। पंजाब हुकूमत ने जमान पाक में दहशतगर्दों की मौजूदगी के हवाले से झूठ बोला। चौधरी परवेज़ इलाही की तनकीद।